गुड मॉर्निंग किड्स, ओपन योर न्यूमरेसी स्किल बुक टू द पेज नंबर 16. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्री नंबर कंसेप्ट्स. ओके, द फर्स्ट कंसेप्ट इज फुल एंड एम्प्टी. फुल एंड एम्प्टी, राइट सी डब्ल्यू एंड टुडेज डेट, दैट इज 23/10/2020. ओके, what is a full and what is a what is an empty, we will see now. देखो यहाँ पे, this glass is full with the juice. इस glass में juice भरा है. और ये देखो, ये glass खाली है. full means what, जो full भरा है, जिसमें कुछ तो है, वो है full. और जो खाली है उसे हम क्या बोलते हैं, empty. full एम्प्टी. ये देखो, ग्लास में जूस है, फुल ग्लास. ये ग्लास में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी ग्लास. नो सी दिस डस्टबिन. क्लोथ्स आर हियर. ओके, इन दिस बिन क्लोथ्स आर हियर. सो ये फुल है, फुल विद द क्लोथ्स. दिस बिन इज फुल विद द क्लोथ्स एंड दिस बिन इज एम्प्टी. इस बिन में कुछ भी नहीं है, ये डस्टबिन में कुछ भी नहीं है. तो ये है खाली, फुल empty, full empty. For example, tell your mama to give you a glass full of a full glass with the water, and tell your mama to take another glass which is empty. So you will come to know what is a full and what is an empty. Okay, ek glass dene ko le bolo mummy ko bolo ek glass pani se bhar ke de aur ek khali de, to aapko acche se samajh mein aayega ki what is a full and what is an empty. ओके, नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी. क्रॉस आउट द वंस दैट आर एम्प्टी. ओके, जहाँ जो चीज़ें आपको एम्प्टी दिख रही है, जो चीज़ें आपको खाली दिख रही है, उसे आपको सिर्फ क्रॉस करना है विद द पेंसिल. नाउ सी, दिस इज़ अ कप ऑफ टी. दिस इज़ फुल विद द टी. ओके, इसमें टी है तो ये है फुल. नाउ दिस पैन इज़ एम्प्टी, कुछ भी नहीं है ना इसमें. सो दिस इज़ एम्प्टी. You will cross out this picture. Okay, now this is the box of sweets. ये भी full है, sweets से भरा हुआ है. This bag is also full with some things. This compass is empty. So you will cross here. कुछ भी नहीं है ना इसमें. See this bowl also empty. इसमें भी कुछ नहीं है. You will cross out this. On the next page, this will be your homework. Okay? Write today's date and HW. What activity is there? This basket is empty. Draw and color apples to make the basket full. देखो, ये fruit basket जो है वो empty है, कुछ भी नहीं है इसमें. This is a empty. This is an empty box. Okay? तो आपको क्या करना है, apple draw करके इसको full करना है. Okay? आपको मैं दिखाती हूँ. अब apple easily apple draw कैसे करोगे. ये देखो, एक सही सेमी सर्कल निकालो, फिर से एक ऐसे सेमी सर्कल निकालो, ऊपर स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे ऐसे कर्व, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और एक लीफ. ये बन गए एप्पल. ओके, सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन और ये बन गए एप्पल. ऐसे आपको इस बास्केट में एप्पल्स ड्रॉ करने हैं और उसको कलर करना है. ये फ़िलहाल तो खाली है, आप जब ड्रॉ करोगे तब ये फुल हो जाएगा. ओके, नाउ टर्न द पेज. ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव अ कंसेप्ट अबाउट मोर एंड लेस. राइट सी डब्ल्यू एंड टूडेज डेट. ओके, मोर एंड लेस. मोर मीन्स बहुत ज़्यादा और लेस मीन्स कम. ओके, मोर मीन्स ज़्यादा और लेस मीन्स कम. नाउ आई हैव सम चॉक्स. ओके, देखो, आई हैव सम चॉक्स. हाउ मेनी चॉक्स आई हैव, 3. आई हैव मोर चॉक्स एंड आई हैव ओनली 1 पेन. 3 चॉक्स एंड 1 पेन. सो विच इज़ मोर थिंग एंड विच इज़ लेस थिंग. ऑब्वियसली चॉक्स बहुत है तो ये मोर,
और पेन एक ही है, तो ये क्या हो गया, लेस. ओके नाउ सी, विल सी द एग्जाम्पल्स. ओके, मोर जूस एंड लेस जूस. इस ग्लास में बहुत सारा जूस है, मोर. ओके, क्या है, मोर जूस इज इन द बॉक्स, सॉरी ग्लास, एंड इज इन दिस ग्लास द जूस इज लेस. थोड़ा सा है ना, ये देखो थोड़ा सा है, इसलिए ये क्या है, लेस. इन दिस नेस्ट हाउ मेनी बर्ड्स आर हियर, शैल वी काउंट, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी, 5. एंड इन दिस नेस्ट विल हाउ मेनी बर्ड्स आर हियर, 1 2 एंड 3. सो ज़्यादा कहाँ पे है, इस नेस्ट में, हाउ मेनी, 5. तो ये क्या हो गया, मोर. और इस नेस्ट में ओनली 3 है, तो ये क्या हो गया, लेस. मोर बर्ड्स, लेस बर्ड्स. नाउ विल डू एन एक्टिविटी, टिक द वन दैट हैज लेस इन ईच सेट. टू सेट्स आर हियर, वन सेट इज ऑफ लॉग एंड वन सेट इज ऑफ फ्लावर. तो इस दो लॉग्स, इसमें कौन कहाँ पे कम है, ये देखो 1 2 3, हियर 3 लॉग्स एंड हियर 1 लॉग, तो विच इज लेस, दिस वन यू विल टिक हियर. इन दिस फ्लावर्स, हाउ मेनी फ्लावर्स आर हियर, 1 एंड 2, एंड हियर 1 2 3 4, सो विच इज लेस्ड, दिस. ओके, नाउ दिस विल बी योर होमवर्क. ओके, राइट एच डब्ल्यू एंड टूडेज डेट. टिक द वन दैट हैज मोर इन ईच सेट. ओके, टिक करना है, जिस चीज सेट में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही है वहाँ पे आपको टिक करना है. नाउ फ्रूट्स, दिस इज़ द बास्केट ऑफ फ्रूट. हाउ मेनी फ्रूट्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6, एंड हियर 1 2 3. तो कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ इस बॉक्स में, तो आप टिक यहाँ पे करोगे. जहाँ पे मोर थिंग्स हैं वहाँ पे आपको टिक करना है ना. सी, वन बुक, ओनली वन बुक इज देयर, एंड हियर 3 बुक्स आर देयर, सो यू विल टेक हियर. सी, मार्बल्स थोड़े से है. ओके, और यहाँ पे बहुत सारे हैं. देखो फैमिली, दिस इज अ बिग फैमिली. ओके, दिस इज जॉइंट फैमिली एंड दिस इज लेस. सी फिशेस, 5 फिशेस आर देयर एंड हियर आर ओनली 3, सो यू टिक हियर. नाउ टर्न द पेज, यू हैव एन एक्टिविटी एट द फार्म. वॉट यू हैव टू डू, सर्कल द करेक्ट पिक्चर्स. ओके, इन द फार्म देर आर सम थिंग्स लाइक फ्लावर्स, देन एनिमल्स. ओके, दिस विल बी योर क्लास वर्क. ओके, राइट सी डब्ल्यू एंड टूडेज डेट. वॉट वी हैव टू डू, द एक्टिविटी इज अबाउट सर्कल द करेक्ट पिक्चर्स. विच फ्लावर्स आर बिग, विच फ्लावर्स आर बिगर. ओके, देखो यहाँ पे ये फ्लावर्स और ये लोटस और ये लीलीज, इसमें से कौन से फ्लावर बिगर हैं? ऑब्वियसली लोटस बड़े दिख रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे टिक करोगे. ओके, देन विच टेल इज लॉन्गर. देखो यहाँ पे एनिमल, ये है डॉग और ये है काऊ, तो डॉग की टेल देखो छोटी है और काऊ की टेल देखो बड़ी है. देखो यहाँ से इतनी बड़ी है और इसकी छोटी सी है, तो किसकी टेल लॉन्ग होगी, काऊ की. तो आप यहाँ पे टिक करो या फिर पिक्चर को सर्कल करो. नाउ विच इज़ हेवियर, बिग, हाँ विच इज़ हेवियर, जो ज़्यादा वजनदार है. ओके, नाउ देखो ये टोपली और ये व्हील्स, कौन सी हेवी होगी, टोपली हेवी होगी या व्हील्स हेवी होंगे? ऑब्वियसली व्हील्स हेवी होंगे ना, तो आप टिक कहाँ करोगे या सर्कल कहाँ करोगे, हेवी व्हील्स को. नाउ विच इज मोर, देखो यहाँ पे चिलीज है, देर आर सम चिलीज एंड हेंस वी विल काउंट. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाउ मेनी चिलीज आर हियर, 10, एंड हाउ मेनी हेंस आर हियर, 3, सो विच आर मोर, चिलीज. सो यू विल टिक अ सर्कल चिली पिक्चर. ओके, नाउ टर्न द पेज, वन मोर एक्टिविटी, वन मोर कंसेप्ट इज हियर,
near and far, right? CW and today's date. Okay, near means pass or far means bahut dur. Okay, now for example, see, this book is near me and this pages are far from me. Okay, ये book मेरे नज़दीक है और वो जो pages हैं वो बहुत दूर है. Okay, for again one example I'll give you. ये bench, I'm sitting near the bench and this wall is far from me. Okay, ये जो wall है ना वो बहुत दूर है और मैं कहाँ पे बैठी हूँ? Bench के नज़दीक. I'm sitting near bench and I'm the wall is far from me. Okay, now we'll see examples. देखो यहाँ पे ये जो बी है वो हाइव के पास है. हाइव, ये जो हाइव, बी का घर, जो बी का घर रहता है ना उसे हाइव बोलते हैं. ओके, बी इज नियर हाइव एंड बी इज फार फ्रॉम हर हाइव. ओके, वो घर के बहुत दूर है और ये घर के पास है. ये देखो अभी ये जो लड़का है वो रैबिट के नज़दीक है. द बॉय इज़ नियर टू द रैबिट एंड इन दिस पिक्चर द बॉय इज़ फार फ्रॉम द रैबिट. दूर है ना दोनों, यहाँ पे दोनों नज़दीक है और यहाँ पे दोनों दूर है. ओके, सो दिस इज़ नियर एंड दिस इज़ फार. नियर मीन्स पास, नज़दीक. फार मीन्स बहुत दूर. ओके, नाउ व्हाट एक्टिविटी we have to do? Draw and color a ball near the girl. One boy and one girl is playing in the playing on the garden. Okay, what we have to do? We have to draw a ball near the girl. जो girl है उसके पास हमें ऐसे ball draw करनी है. Okay, ऐसे आप ball girl के पास draw करो और उसे कलर करो. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज राइट CW एंड टुडे स्टेट. सर्कल द चीज फार फ्रॉम द कैट. ये देखो कैट है और चीज़ है एंड देन टेक जेरी टू द चीज़. टॉम एंड जेरी और चीज़, हमको क्या करना है? सर्कल किसे करना है? जो चीज़ कैट से बहुत दूर है उसे. वी हैव टू सर्कल दैट चीज़ विच इज़ फार फ्रॉम द कैट. ये देखो ये नज़दीक है और ये फार है, तो आप सर्कल कहाँ पे करोगे? इस चीज़ को. ओके, एंड वी हैव टू नाउ टेक द जेरी टू द चीज़. हमें क्या करना है? जेरी को चीज़ के पास लेके जाना है. वी हैव टू टेक द जेरी टू नियर द चीज़. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग रोड. ओके, वील स्टार्ट ही फ्रॉम हियर. यू हैव टू डू लाइक दिस. देखो 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 देखो, जो चीज़ कैट के फार है उस वहीं पे हमें लेके जाना है. हाँ, जो कैट के नज़दीक है उसके उसके पास हमें नहीं लेके जाना है. जो कैट से बहुत दूर है उस चीज़ तक हमें जेरी को लेके जाना है, ऐसे. ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट? ओके, थैंक यू.